द नॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशंस जो पहले से ट्रेडिशंस है उन ट्रेडिशन के आधारों को मानने वाला व्यक्ति रूढ़िवादी पहले की जो परंपराएं हैं उसे मानने वाला जो व्यक्ति है वो कहलाएगा कंजरवेटिव रूढ़िवादी हिंदी में कहेंगे रजाइन अब जब रूढ़िवादी परंपराओं का जो काल है दैट इज कॉल्ड कंजरवेटिव रजाइन ये शुरू होता है जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ वाटर लू बैटल ऑफ वाटर के बारे में मैंने आप लोग को पहले बताया है कि नेपोलियन और यूरोपियन पावर्स के बीच में 1815 सौ ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था वाटर नामक जगह में अब उसके हम उसमें ये भी हम लोग क्लियर कर चुके थे कि नेपोलियन हार चुका था और हार के बाद ही ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया है तो कंजर्वेटिव रिजाइन के अंतर्गत पे कहा गया कि इसकी जो फीचर्स हैं तो पहला लाइन कहा गया कि भाई वो ऑटोक्रेटिक इन नेचर है वहाँ पे डेम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है ऑटोक्रेटिक है रूल बाई ए मुनार्क ठीक है सेकेंड पॉइंट कह रहा है अब चूंकि ऑटोक्रेटिक है तो अगर जनता इस ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करता है उसका विरोध करता है तो उस दौरान जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो टॉलरेट नहीं करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा अगर किसी भी प्रकार की क्रिटिसिज्म की जाती है उस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का तो उस क्रिटिसाइजर के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है नेक्स्ट पॉइंट ये भी कहा गया कि अगर कंजर्वेटिव रिजाइन की लेजिटिमेसी लॉफुलनेस लेजिटिमेसी मतलब होता है वैलिडिटी वैधता अगर उसकी लॉफुलनेस के ऊपर सवाल खड़ा किया जाए क्वेश्चन पूछा जाए ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत इस प्रकार का कानून बनाने का क्या मतलब है और क्या फायदा है ये गलत है इंसानों ह्यूमन राइट्स के हिसाब से गलत है तो अगर ऐसी सवाल उत्पन्न की जाती है तो आप ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन को पूछ रहे हैं उसकी लॉफुलनेस के ऊपर आपने सवाल खड़ा कर दिया तो ऐसा करने पर जो एक्टिविटीज किया जा रहा है उन रिवलरीज के द्वारा या फिर क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा उस एक्टिविटीज को क्रब कर दिया जाएगा क्रस कर दिया जाएगा कुचल दिया जाएगा ताकि उसको देख करके दूसरा व्यक्ति प्रेरित ना हो जाए ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के लिए नाउ द फोर्थ पॉइंट इंपोज सेंसरशिप आज वर्तमान समय में अगर देखिएगा भारत के परिवेश में आप देखिए तो सेंसर जो काम कर रहा है फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के सेक्शन में काम किया जा रहा है कि अगर किसी फिल्म में कुछ आपत्तिजनक दृश्य होते हैं तो सेंसर उसे कट कर देती है कुछ समय पहले क्या था कि जब विमेन एम्पावरमेंट को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो महिलाओं पर किसी प्रकार का थप्पड़ या मारपिटाई की कहानी होती थी तो उस पर वहाँ पर सेंसर लगा दिया जाता था या कभी कभी आप देखते हैं फिल्मों में गाली गलौज का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे बीप साउंड आता है वो सेंसर का काम है है इसलिए वो बीप साउंड आ रहा है। तो उस वक्त भी सेंसरशिप काम कर रहा था अब सेंसरशिप का मतलब एक ऑब्लिगेशन लगाना किसके ऊपर लगाया जा रहा है भाई तो न्यूज के ऊपर क्यों क्योंकि उसकी राइटिंग को कंट्रोल करना है कि अब हम जैसा चाहते हैं आपको वैसा लिखना पड़ेगा अगर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ लिखिएगा

किसी भी तरीके से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ लिखी जा रही है की आलोचना करते हुए लिखी जा रही है प्लीज अगर ड्रामा वगैरह किया जा रहा है जिसमें लिबर्टी फ्रीडम जैसे चीजों को दिखा करके शो किया जा रहा है और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को गलत ठहराया जा रहा है आ, रिप्रेसिव दिखाया जा रहा है ब्रूटल दिखाया जा रहा है तो वहां पर भी सेंसर से काम करता हुआ नजर आएगा Songs, जिसे भारत में हमने देखा सारे जहां से अच्छा हिंदू सित हमारा जना गना मना तो वैसे गीत जिसमें राष्ट्रता नेशनलिज्म फ्रीडम इंडिपेंडेंस जैसे तत्व प्राप्त मिलते हैं तो वैसे गीतों के ऊपर भी सेंसरशिप लगाया जाएगा तो यहाँ पर सेंसरशिप लगाया किस पे जाएगा खासकर वैसे किताब न्यूज पेपर में वैसे किताबों के ऊपर वैसे प्लेस के ऊपर वैसे सॉन्ग्स के ऊपर जो रिफ्लेक्ट करता है आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंट एंड फ्रीडम जो कि लिबर्टी और फ्रीडम को दर्शाता हो जिसमें ह्यूमन राइट्स ह्यूमन लिबर्टी की बात की जाती है जिसमें फ्रीडम की बात की जा रही है तो वैसे न्यूज़पेपर, बुक्स प्लेज एंड सॉन्ग्स को सेंसरशिप के अंतर्गत में ला करके पब्लिश या फिर उसे आगे बढ़ाने से रोका जाता है फ्रीडम एसोसिएटेड अब जो इस प्रकार की जो लिबर्टी और फ्रीडम थी वो आपने कहा देखा फ्रेंच रिवोल्यूशन से जुड़ा हुआ देखा कि के में और जैसे तत्वों को, को, को किया गया है और वहां पर एग्जिस्टिंग ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ काम किया गया जिसका परिणाम ये निकल कर आया था लुई सिक्सटीन को अपने सत्ता से निकलना पड़ा था नौ from this segment, question may be asked like this. conservative resign were of das nature. option a, democratic. b, socialistic. c, autocratic. d, none of the afl the answer is autocratic in nature. that's good. now, here, question may be asked like like this. that cons conservative resign was set up in was set up in A eighteen ten B eighteen fifteen C eighteen twenty seven D seventeen fifteen century. So conservative resign was set up was shut up was set up in eighteen hundred 15, just after the battle of waterloo. once the treaty of vienna was signed, after that we have a conservative regime in europe. now the next question is, censorship laws mainly control the writings of newspaper, books, plays and songs, which reflect the idea of ऑप्शन ए कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी सोशलिज्म, ऑप्शन सी लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लिबर्टी एंड फ्रीडम